व्हाट्सएप एवरीवन, तो क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद है सारे भाई बेस्ट होंगे। आज तो बैग भी टंग रहा है भाई, ऑफिस जा रहा हूँ, बिल्कुल करंट निकल ही रहा हूँ, जस्ट अभी निकल रहा हूँ। तो ऑफिस जाने से पहले अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम में बाइक के, क्योंकि एक बाइक है हीरो एक्सट्रीम 125R, तो वो थोड़ी सी बेस्ट सी लग रही है मेरे को, अच्छी लग रही है, देख रहा हूँ मैं। और पल्सर NS125 भी, दोनों का कंपेरिजन करके देखा मैंने, तो 125R थोड़ी सी मुझे आगे लग रही है उससे। तो जा रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ, दोनों बाइक की कोटेशन वगैरह देख लेता हूँ, अच्छी लगेगी तो देखते हैं, एक दो महीने में ले लेंगे। अभी कन्फर्म कुछ ही नहीं है, अभी बस ये है कि एक बार देख लूँ मैं, अगर सब कुछ हिसाब से ही रहा तो ले लूंगा, नहीं रहा तो कुछ समय के लिए टालनी पड़ेगी, बट ले लेंगे बाद में। तो अभी चलते पहले शोरूम, शोरूम में जाके देखते हैं कि 125R अवेलेबल है या नहीं है, या मिलेगी तो कब मिलेगी, कोटेशन लूंगा प्रॉपरली, मतलब ये बता रहा हूँ। NS का भी यही है, NS का भी एक बार देखूंगा, NS की भी कोटेशन ले लूंगा, दोनों को फिर कंपेयर करूंगा, एक साथ रेट वगैरह में EMI वगैरह देखूंगा दोनों की, अगर आसपास होगा तो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्प्लेंडर मैं सोच रहा था ले लूं, स्प्लेंडर मैंने इसलिए कैंसिल करी यार, मेरी स्प्लेंडर पहले ऑलरेडी चोरी हो चुकी है, तो मेरे को अब डर है भाई थोड़ा बहुत कि यार चोरी ना हो जाए गलती से भी ऐसा कुछ। और स्प्लेंडर की चाबी ये होती है, अगर 10 स्प्लेंडर खड़ी है सामने, तुम्हारे पास एक चाबी है स्प्लेंडर की, तुम 10 में जाके लगा लेना साले, 2-3 में तो ईजिली लग जाएगी, तो वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रिस्क हो जाता है यार, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि उसे ना ही लूं। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाकी तीनों बाइक के रेट वगैरह सब कुछ कंपेयर कर लेंगे, तब देखते हैं कि कौन सी बेस्ट है और फिर कौन सी लेनी चाहिए। तो अभी पहले चलते हैं शोरूम और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। वो ले लेना N150 या 160, क्या मौका है रहा मैं तेरा फोटो खींचूंगा इसे एक बार। शोरूम से आने के बाद अब वापस अब हम अपने ऑफिस आ चुके हैं, और तेरी करिश्मा थोड़ा सा गुस्सा है, पता नहीं किस बात का गुस्सा है, ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे खुद ही नहीं पता है कि किस बात का गुस्सा है ये, लेकिन जो भी है चलते ऑफिस, ऑफिस जाके मिलते हैं, क्योंकि यार लेट हो गया बहुत ज़्यादा, 11 बज गया, कहाँ 10 बजे का ऑफिस है, एक घंटा पूरा लेट। बिल्डिंग के ठीक नीचे आ चुका हूँ मैं, और अभी जाना ऊपर 3rd फ्लोर पे, ये देखो कैसा आ रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, जो भी हो गया ऊपर जाके देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट है आज। येलो गाइस, अभी अभी ऑफिस से निकले हैं गाइस, ये जा रही करिश्मा, और वैसे तो ये नेक्स्ट डे की नाइट का व्लॉग है, क्योंकि उस दिन इसने व्लॉग बनाने नहीं दिया था, क्योंकि इसकी शकल सड़ी हुई थी। और कैसे लगा चाटा खाके? तो बाल बड़े हो गए यार, बाल कटवाने पड़ेंगे, कट जाए यार, तो चल अरे कैमरे में लटा गई, क्या दिखा रहे हैं? लिफ्ट दिखा रहा हूँ भाई, होगी अभी हम तो सिंगल ही नहीं, ऐसे होते लिफ्ट बंद। ओ तू काट, हट। मैं आ चुका हूँ भाई घर पे, और व्लॉग को यहीं पे एंड करते, नहीं एंड नहीं करते, एक चीज बताने भूल गया मैं, मंदिर हाँ। तो भाई एक्सट्रीम 125R जो है कि वो आपकी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन वो अब मार्च अप्रैल से मिलनी शुरू होगी शोरूम में, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास आएगी, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-15 दिन हुए, सिर्फ 10-15 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन के आसपास ही हो रहा होगा, 15 भी नहीं होंगे। तो अभी वो जो मिलेगी, मैंने सब जगह बात कर ली, पूछ लिया है, तो वो मिलेगी हमारी, वो मिलेगी मार्च अप्रैल के आसपास शोरूम में आ जाएगी, वहां से फिर बाय कर सकते हो। मैंने ढूंढ ढूंढ के देख लिया, मिली तो है नहीं, अब सोच रहा हूँ थोड़ी सी ना अभी कोई सेकंड हैंड सी बाइक ले लेता हूँ टाइम पास के लिए, और जब तक 6 महीने भी हो जाएंगे मेरे जॉब पे, तो थोड़ा सा पैसे वैसे भी ठीक ठाक हो जाएंगे सैलरी, तो तब मैं सोच रहा फिर एकदम फिर बड़ी बाइक ही ले लूंगा, थोड़ी ढंग की ले लूंगा मतलब। तो ये बताना था, और जो रेट बता रहे हैं उसका 124-120 ऐसे बता रहे हैं उसका, एक्सट्रीम 125R का जो शोरूम वाले बता रहे हैं, और मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगी उसके 20,000-25,000 में फाइनेंस हो जाएगी, अगर बैंकिंग वगैरह सब कुछ ठीक है तो। तो भाई मेरे को तो मिली नहीं, मैं तो घूमगाम के आ गया। बाकी इस ब्लॉग को ये मैं करते, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जय श्री राम।